हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बेहतरीन कलाकार नीलम गिरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे नीलम गिरी की भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की इनकी पूरी एंट्री और इनकी बायोग्राफी बताएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं और नीलम गिरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों बात करें नीलम गिरी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीलम गिरी भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल ज़्यादातर देखी जा रही है दोस्तों, और भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने में ये मॉडलिंग करते नजर आ जाती हैं दोस्तों, और इनका डांस लोग देखना काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और इनका डांस का हर कोई यूपी बिहार में दीवाना है दोस्तों, और इनका डांस देखना और सुनना काफ़ी पसंद करता है। बात करें नीलम गिरी की उम्र की, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी अभी उम्र 22 वर्ष की हो चुकी है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी बेस्ट और हिट मॉडल हैं। बता दें कि इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत पहले कदम नहीं रखा है। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये साल 2017 में कदम रखी थी, और भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले ये एक टिकटॉक स्टार थी और टिकटॉक से ही भोजपुरी इंडस्ट्री का इन्होंने सफ़र तय किया। दोस्तों बता दें कि अभी नीलम गिरी की ना ही शादी हुई है, ना ही इनका कोई बॉयफ्रेंड है दोस्तों, जैसा कि बताया जाता है दोस्तों। दोस्तों बता दें कि नीलम गिरी ने पवन सिंह के साथ कुछ हिट एल्बम किया है, जिस एल्बम का नाम है धनिया हमार नया बाड़ी। जी हाँ दोस्तों, धनिया हमार नया बाड़ी जैसे एल्बम में नजर आ चुके हैं पवन सिंह के साथ, वहीं पवन सिंह के साथ लहंगवा लसा लसा करता जैसे होली के सॉन्ग में भी ये नजर आ चुके हैं, वहीं रितेश पांडे के साथ घंटी एल्बम में नजर आई। अरविंद अकेला कल्लू का एक हाल ही में एल्बम रिलीज हुआ था, जिस एल्बम का नाम था लेला नेनुआ में भी ये नजर आई थी नीलम गिरी। उसके बाद दरदिया के छापी जैसे हिट एल्बम, समर सिंह के एल्बम में काम कर चुकी हैं। बता दें कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी पहचान की मोहताज नहीं है नीलम गिरी दोस्तों। अगर आप भी नीलम गिरी के फैन है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।